राहुल गांधी और उनके तमाम बड़े नेताओं ने इंडी का गठन किया और इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा। इसके बाद चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे। पट्टे में लिखवा करके लाए हैं उस बात को कि वो कहते हैं गांधी परिवार का चरण वंदन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कि कांग्रेस अभी से ईवीएम हैक का और स्लोगन अभी से बनाना चालू कर रही है, तो ईवीएम हैक नहीं बल्कि इनका दिमाग का हैक हो गया है। देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, लास्ट चरण बाकी है और 4 जून को रिजल्ट आना है। और इससे पहले कि भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किए हैं, और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं मंत्री केदार कश्यप जी हैं। केदार कश्यप जी जो है छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भी प्रचार प्रसार के लिए गए थे। सर, 4 जून को रिजल्ट आना है, बीजेपी कितनी अस्वस्थ है कि आपको कितनी सीटें मिल जाएंगी छत्तीसगढ़ और पूरे देश में? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण है और जो स्थिति आज हम लोगों के मन में हम जाकर सुनने को मिल रहा है, मोदी जी ने जो नारा दिया अब की बार 400 पार, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर का कार्यकर्ता 400 पार सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएगा मोदी जी। छत्तीसगढ़ में 11-11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी जी। और सर, तो कांग्रेस क्या करेगी जब आप 400 जीत गए, 11 जीत गए, कांग्रेस का तो भी कुछ अपना होगा ना? वो तो कह रहे हैं कि हम पर्याप्त सीटें आ रही हैं, हमारी सरकार आ रही है। देखिए, राहुल गांधी और उनके तमाम बड़े नेताओं ने इंडी का गठन किया और इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा, और राहुल गांधी का है तो राहुल गांधी के लिए कोई नया चीज़ नहीं होगा, ये तो लगातार उनके साथ में हो ही रहा है जी। कोई नई बात तो है ही नहीं उनके लिए, और स्वाभाविक है कि वो इसके बाद चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे, फिर आत्म शांति के लिए संतुष्टि के लिए क्या करेंगे वो तो वो बता पाएंगे जी। और कहाँ से मशीन लेके आएंगे, कहाँ से आलू से सोना बनाएंगे जी। और जो स्थिति है वो नहीं मालूम कितनी बार हार चुके हैं, वो तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे। और लेकिन बार बार राहुल गांधी जी जो है बेरोजगारी की बात कहते हैं, महंगाई की बात कहते हैं, और उस पूरे चुनाव में उन्होंने इन दोनों तीनों मुद्दों को खास तौर पे रखा है। देखिए, राहुल गांधी खुद एक कहते हैं जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बेरोजगार तो एक ही व्यक्ति होगा, राहुल गांधी बेरोजगार होगा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगी थी और उनके सहयोगी दल जिस तरीके से लगे थे, उनके साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास में कोई काम नहीं होगा, और ये यहाँ की जनता ने तय करके रखा है। और मेरा बात को आप मान लीजिए कि 4 तारीख को जैसे ही परिणाम आएंगे वैसी कांग्रेसी रोना चिल्लाएंगे कि ईवीएम हैक हो गया है, ये गलत हो गया, इस तरीके से ये अभी से इन लोगों के बहाने चालू हो गए हैं। और जो स्थिति है वो स्थिति उनके फेवर में नहीं है, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अभी से ईवीएम हैक का और स्लोगन अभी से बनाना चालू कर रही है, तो ईवीएम हैक नहीं बल्कि इनका दिमाग का हैक हो गया है। सर, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की स्थिति को क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बेरोजगार पहले से ही हैं और इंडी गठबंधन के लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, और 100 दिनों के भीतर कम अंतराल में अनेकों बड़ी बड़ी घोषणाओं को निचले स्तर पर जमीनी पे ला करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के नेताओं के पास में तो कोई विषय ही नहीं था, वो तो कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था और कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। अंतिम समय में उन्होंने अपने नामों को डिक्लेयर घोषित किया, और नाम ऐसे घोषित किया जैसे बहुत अच्छा नाम देंगे, लेकिन नाम देखकर तो यही लगा कि अली बाबा 40 चोर जो पुरानी पिछली 5 साल की सरकार में इनकी रही है उन्हीं को इन्होंने रिपीट किया। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार की बात है, तो कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी? जैसे भूपेश बघेल जी बड़े नेता हैं, दीपक बैज हैं, चरणदास मान जी हैं और कई बड़े नेता हैं।
देखिए, अब इनके बड़े नेताओं के पास में केवल गांधी परिवार के चरण वंदन के अलावा कोई इनके पास में कोई रोजगार नहीं बाकी है, और ये रोजगार तो उनका ठेके का रोजगार है, और ये तो जमा जमा कहते हैं, वो तो पट्टे में लिखवा करके लाए हैं उस बात को कि वो कहते हैं गांधी परिवार का चरण वंदन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, देश हित में बात नहीं करेंगे, ये इनके नसीब में है, तो स्वाभाविक है। ये चरण वंदन वाली बेरोजगारी कैसी बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आप देख लीजिए जिस तरीके से वो लोकतंत्र के खिलाफ में जाकर के उन लोग काम करते हैं, और केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी, आज देश के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। तो ये केवल और केवल गांधी परिवार में अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए से काम करेंगे। तो आपने सुना मंत्री केदार कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं और कांग्रेस के सैकड़ों नेता बेरोजगार हो जाएंगे, और खासकर राहुल गांधी समेत छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता। अब देखना होगा कि 4 जून को रिजल्ट क्या रहे और क्या कोई वास्तव में बेरोजगार होंगे या नहीं। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।